हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डीके स्पोर्ट्स क्लब में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप सभी के कमेंट्स एंड मेरा भी यही डिसीजन है कि प्रो कबड्डी ऑक्शन कब होगा 2023 का। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दे लाइक। तो आप सब दोस्तों ऑक्शन को बहुत ही मिस कर रहे हो, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ऑक्शन के रिगार्डिंग जो कि अपडेट निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मे बी ऑक्शन किस डेट में पॉसिबल हो सकता है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी प्रो कबड्डी की स्टार्टिंग डेट को लेकर। तो वहां पर दो विंडो निकल कर आई थी, एक विंडो निकल कर आई थी जून जुलाई अगस्त को लेकर, एक विंडो निकल कर आई थी और एक विंडो निकल कर आई थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर को लेकर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर फर्स्ट विंडो में यहां पर प्रो कबड्डी पॉसिबल होता है तो यहां पर ऑक्शन हमें अप्रैल या मई के मंथ में देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रैक्टिस कैंप भी लगता है टीमों का, तो उस यानी कि ऑक्शन हमें 3 महीने पहले ही देखने को मिलता है। जैसे कि अगर प्रो कबड्डी हमें जून के महीने में स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा तो फिर ऑक्शन भी हमें अप्रैल या मई के मंथ में ही स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि ये तो बिल्कुल ही प्रो कबड्डी का रूल्स है। एंड दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर नवंबर या दिसंबर में प्रो कबड्डी स्टार्ट होती है तो दोस्तों ऑक्शन हमें अगस्त या सितंबर को देखने को मिलेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सेकंड विंडो अच्छी रहेगी प्रो कबड्डी को कंडक्ट करवाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रो कबड्डी फर्स्ट विंडो यानी कि जून जुलाई अगस्त इन तीनों मंथ का ही चुन सकती है, क्योंकि ये तीनों मंथ बिल्कुल फ्री है प्रो कबड्डी को करवाने के लिए। इसमें कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं है इन मंथ में। दोस्तों, ये थी प्रो कबड्डी ऑक्शन डेट को लेकर जो कि मैंने अपने हिसाब से आपको डेट बताई है, जो कि अप्रैल या मई में 2023 तक ऑक्शन हो सकता है। बिल्कुल ये 99% आप श्योर मानकर चल सकते हो। और दोस्तों, अब मिनी ऑक्शन होगा या मेगा ऑक्शन, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार यहाँ पर मेगा ऑक्शन होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले सीजन 9 में यहाँ पर मिनी ऑक्शन देखने को मिला था। तो आपको पता होगा कि प्रो कबड्डी का रूल है एक मेगा ऑप्शन होगा तो एक मिनी ऑप्शन होगा, तो अब हमें मेगा ऑप्शन की बारी है तो मेगा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी, ज़्यादा अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस ऑप्शन के रिगार्डिंग जो कि डेट निकल कर आ रही थी संभावित वो मैंने आपको बता दिया है। एंड दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो बनाए लाइक नहीं किया लाइक कर लिया, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रो कबड्डी की रिलेटिव यानी कबड्डी से रिलेटिव इंटरेस्टिंग सारी कुछ अपडेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड दोस्तों, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले कबड्डी की लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।